चारधाम यात्रा की व्यवस्था शुरू होने के साथ ही डगमगा गई। यात्रा शुरू होते ही यात्रा मार्ग पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद चारधाम यात्रा की कमान को संभालते दिखे। श्रद्धालुओं से सीएम धामी ने बड़कोट में सीधी बातचीत की। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट पहुंचे सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों की समस्याएं सुन मौके पर मौजूद अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। तीर्थयात्रियों ने खुलकर अपनी बात मुख्यमंत्री से कही। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा में आ रहे कई वाहनों को श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच कई जगह रोका। श्रीनगर के कलियासौड़ और फरासू में वाहन रोके गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े के नेतृत्व में एक एक वाहन की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक ने यात्रियों से पंजीकरण के बाद ही यात्रा में आने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कई दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जाहिर कर कीमती जंगलों को बचाने के लिए कहा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने जंगल की आग से बचने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के भी आदेश दिए हैं। श्रीनगर में शुक्रवार रात गुलदार ने एक 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को उठाकर घर से दूर झाड़ियों में ले गया। अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और बच्चे के खोजबीन में जुट गई। शोर सुनकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए जनसभाएं की। दक्षिण दिल्ली के आयर नगर छतरपुर में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर विधूड़ी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति के पीछे छुपी विभाजनकारी और तुष्टिकरण की नीतियां समझ चुकी है। इस लोकसभा चुनाव में देवतुल्य जनता भ्रष्टाचारी पार्टियों को नकारते हुए बीजेपी को 400 से अधिक सीटें जिताने जा रही है। गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राजधानी दून के तापमान ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 7 साल पहले 2017 में इस दिन अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और परेशान कर सकती है। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।